नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, हम इस वक्त वलसाड़ गुजरात में हैं। यहाँ पर पंचरत्न बौद्ध विहार बनाया गया है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी यहाँ के धम्म उपासक से लेते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर मौजूद हैं सर। आपको SR24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ यहाँ के बौद्ध विहार के बारे में। कैसे, क्या, कहाँ है, क्या धम्मा हाल क्या है, विपासना सेंटर कहाँ बनाया गया है, पूरी रूपरेखा आप हमारे चैनल पर बताने का। जरूर। हम इस वक्त नमो बुद्धाय साथियों, हम इस वक्त पंचरत्न बौद्ध विहार जिला वलसाड़ गुजरात में है। यहाँ पर चल रहे हैं अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। यहाँ पर कुछ धम्म उपासक लोग आए हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है, ये दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की करुणा हो। और यहाँ पर जय भीम, हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। इस वक्त हम आगे ले चल रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए, विपासना हाल बनाया गया है और नोटिस बोर्ड बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिखने पढ़ने के लिए नोटिस बोर्ड बनाया गया है। ये नोटिस बोर्ड है। और यहाँ पर शिकायत यों सुझाव यों शिकायत पंचरत्न बौद्ध विहार वलसाड़ लेटर बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिख पढ़ के डाल भी सकते हैं। और यहाँ कोई भी पानी पी सकता है। आरओ की मशीन लगाई गई है। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता का नाम भी डिटेल में दिया गया है, कब ये बौद्ध विहार उद्घाटन किया गया। 14 अक्टूबर 2009 दिन बुधवार को। इसमें किसके किसके सहयोग है, सबका अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पर। और हम ले चल रहे हैं अब वीडियो के माध्यम से चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, धम्मा हाल बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, उपासिका धम्म उपासिका मौजूद हैं। और एक तरफ उपासक लोग मौजूद हैं, धम्म उपासक लोग। इसी बीच में यहाँ पर भगवान बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रतिमा को। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी और भी प्रतिमा रखी गई है। और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है। पीछे बाबा साहब की एक तस्वीर भी लगाई गई है। और ये किसके द्वारा ये प्रतिमा भेंट किया गया है, ये भी लिखा गया है यहाँ पर बोर्ड में, हम आपको दिखा रहे हैं। और बॉक्स बनाया गया है, कोई अगर सहयोग करना चाहे यहाँ पर, ये बॉक्स है। धूप मोमबत्ती भी यहाँ पर जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए भी स्टैंड बॉक्स बनाया गया है। उपासक अपने ध्यान के लिए यहाँ पर इस समय मौजूद हैं इस धम्मा हाल में। देखिए, धम्म उपासक लोग हैं, उपासिका लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। हम सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। हम उपासक को नमो बुद्धाय। जय भीम। देखिए, कोई कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा का खूबसूरत पंचरत्न बौद्ध विहार की तरफ से एक स्टैंड बनाया गया है, जिसको आप कोई कार्यक्रम में रख करके बोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है नमो बुद्धाय जय भीम। एक तरफ भगवान बुद्ध की तस्वीर है, एक तरफ बाबा साहब की है, बीच में धम्म चक्र बनाया गया है। और लिखा गया है पंचरत्न बौद्ध विहार द्वारा अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति, हरैया बस्ती, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा गया है, वलसाड़ गुजरात। यहाँ पर देखिए, पूरा हम दिखा रहे हैं आपको।
से एक संवाददाता जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से आए हुए संदेह राजेंद्र कुमार जी पंचमपुर बिहार वलसाड़ गुजरात में, उनका हमारे संस्था के अध्यक्ष संदेह राजेश सोनर जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी तरह से मैं हमारे संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष संदेह उत्तर प्रदेश के संदेह राजेंद्र कुमार जी का स्वागत करेंगे और हमारे प्रबंधक सभ्य से भी निवेदन है कि हमारे सभ्य राजेंद्र कुमार जी का खुशबू से स्वागत करेंगे। और मैं अब सभ्य राजेंद्र कुमार जी उपस्थित सभी धर्म उपासक उपासिका को नमो बुद्धाय। जय हिंद। हम इस वो त्यौहार के बारे में जानकारी मिली थी व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर हमने आपके पिताजी जो हरिया बोध बिहार के संचालक हैं और संस्थापक हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज सुधार समिति के, वहाँ पर मैंने संपर्क बनाया और लगातार वहाँ पर जो भी कार्यक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मैं वहाँ पर आता जाता हूँ और वहाँ से ही मुझे ज़्यादा वो मिला। फिर मुझे आज मौका मिला कि मैं मुंबई में आया था, एक हमारे भंते जी हैं वो मुझे अभी पिछले जो बीता है मार्च 2021 में मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, जब मैं वहाँ इलाज के लिए आया था तो इलाज में उन्होंने मेरा 4 महीने लगातार मार्च अप्रैल मई जून तक लगातार उन्होंने मेरी सेवा की है। वहाँ पर तमाम धर्म उपासक के सहयोग से मैं वहाँ पर था और उसी में जानकारी मुझे मिली अभी 10 दिन पहले। मैंने टेलीफोन किया कि बंदे जी आपका क्या हालचाल है, हालचाल बराबर मैं लेता था क्योंकि हमारे इधर चुनाव चल रहा था उसमें मैं व्यस्त था, मैं उनसे हालचाल नहीं ले पाया। दिमाग में आया बस मैंने रात में से फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ में कुछ पीड़ा आया एक करवा जैसा, तो बोले मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं इस समय चल फिर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ पंडित जी, तो मैंने आया वहाँ और वहाँ से फिर मेरे दिमाग में यहाँ का वलसाड़ और बिहार का दिमाग में आया। फिर मैंने सर से संपर्क किया टेलीफोन से कल नहीं परसों, फिर मैंने कल टाइम ले लिया आज का और फिर आज मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए यहाँ समय निकाल करके हमारे लिए आए हैं और इसमें आपको मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस बीच में अपना समय दिया, कम से कम 3-4 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हैं। और चूंकि जिसके अंदर श्रद्धा होती है तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार, वो समय भी देना चाहते हैं, धन भी देना चाहते हैं और मौका पड़ने पर इधर उधर जो भी है कार्यक्रम में भी जा करके अपना समय देते हैं, श्रमदान करते हैं। इसके लिए आप लोग आए हमारे और हमारी बातों को सुना और मैंने अपने आप लोग की बातों को अपने चैनल पे भी दिखाऊंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साथ हुआ। नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय। साथियों, इस समय हम पंचरत्न बौद्ध बिहार में हैं। यहाँ पर देखिए तमाम धम्म उपासक जो इस बौद्ध बिहार से जुड़े हुए हैं और उपासिका, पहले हम उपासिका लोगों को दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पर देखिए अपनी बहुत कीमती समय दिए यहाँ पर लगातार करके, मैं कम से कम 2-2.5-3 घंटे से यहाँ पर हूँ और इसी बीच में यहाँ पर देखिए धम्म उपासक गण भी हैं और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो स्थापित की गई, यहाँ पर बुद्ध वंदना का कार्यक्रम चला है। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं छोटे छोटे, इन लोगों ने सील देने का काम किए हैं और इसी में देखिए एक बच्ची यहाँ पर है, दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा सील दिए हैं। यहाँ पर पंचशील ग्रहण लोगों करवाए हैं और यहाँ पर देखिए धम्म उपासक लोग हैं और इस बौद्ध बिहार के जितने भी सदस्य हैं सभी हैं और अलग अलग नाम है, अलग अलग पदाधिकारी हैं, सब लोग मौके पर मौजूद थे और कम समय में मुझे सुबह ही समझिए मैंने बताया हूं सर को कि मैं आ रहा हूं यहां पर बौद्ध बिहार पे, लेकिन तब भी काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए क्योंकि वलसाड़ एक शहर है, यहां पर लोग अपनी नौकरी और रोजी रोजगार के लिए आते हैं और रहते हैं और देहात नहीं है कि लोग फ्री हैं और फिर भी बहुत कीमती अपना समय दिए इन लोगों ने।
इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे सभी धम्म उपासक लोग मौजूद हैं और इस बोध विहार के पदाधिकारी गण संस्थापक सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अपनी बहुत कीमती समय यहाँ पर आज गुजारे। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ में एक मौका मिला इन लोगों के साथ में मुझे भी कि साथ में रहने का। और यहाँ पर देखिए धम्म उपासिका भी मौजूद हैं और बहुत खुशी की बात है सब लोग अपने ड्रेस में हैं, जो ड्रेस में रहना चाहिए सफ़ेद वस्त्र पहन करके सभी लोग यहाँ पर हैं कि सभी अपने ही ड्रेस में हैं। यही ड्रेस की पहचान है कि अगर कहीं भी जाओ कोई कार्यक्रम अगर चल रहा है तो अगर सफ़ेद ड्रेस में दूर से ही देखा जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो सब तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले धम्म अनुयायी हैं। हम इस वक्त पंच रत्न बोध विहार टीवी रेलवे केंद्र नानकवाड़ा बलसाड़ में हैं। यहाँ पर पंच रत्न बोध विहार विपश्यना केंद्र अम्रपाली पुस्तकालय एवं प्रांतीय कार्यालय समाज सुधार समिति द्वारा अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर 3260 संपर्क नंबर यहाँ पर लिखा गया है। ये हम दिखा रहे हैं इस समय पंच रत्न बोध विहार के बाहर हैं। यहाँ पर ये भी जगह उसी पंच रत्न बोध विहार के यहाँ पर है। अभी यहाँ पर और भी काम धीरे धीरे होगा लेकिन आगे काफ़ी कुछ किया गया है और हम दिखाएंगे आपको चैनल पे। ये है बोध विहार बाहर से। ये बोध विहार का बाहर का दृश्य है इस समय। यहाँ पर देखिए ये लगातार क्रम लिखा गया है कितने लोग सहयोग किए हैं। ये धनराशि भी है, इतनी धनराशि किसके द्वारा किया गया है। अलग अलग प्रदेश से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से लोग इस बोध विहार में अपना योगदान दिए हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त विशिष्ट सहयोगी यहाँ पर लिखा गया है और सबका नाम है। एक तरफ से क्रम संख्या भी लिखा गया है कितने लोग इसमें दिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इसमें यहाँ पर देखिए दान देने वालों की कमी नहीं है, श्रद्धा एक होती है। जो भी हैं बाबा साहब तथागत बुद्ध को मानने वाले अपने देश में, अपने शहर में, अपने राज्य में कमी नहीं है। बस खोज एक रास्ता बताने की ज़रूरत है, सहयोग आता रहेगा। लोग जाने कि कहाँ पर कार्य हो रहा है धम्म के क्षेत्र में, वहाँ पर दान देने वालों की कमी नहीं रहेगी कभी भी। और बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं और कर्मठ हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सहयोग राशि दे चुके हैं। उनका नाम है इस प्रकार, अलग अलग नाम से है, दिखा रहे हैं। अभी भी दान देने वालों की संख्या कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या लिखा गया है 303 से लेकर के
344 तक हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर। हम अंतिम पंक्ति में चल रहे हैं, यहाँ पर 345 क्रम संख्या से लेकर के नीचे दिए गया है अलग अलग, उसमें हम चल रहे हैं। और यहाँ पर जिन्होंने श्रम सहयोगी किया उनका भी नाम यहाँ पर है, उन्होंने श्रम सहयोगी यहाँ पर 11 लोगों का नाम है जो श्रम सहयोग करके इस बौद्ध विहार में अपना योगदान दिए हैं। यहाँ पर नाम है, कहाँ के कौन रहने वाले हैं सब लिखा गया है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगह के हैं लोग। इस बुद्ध विहार में बैठने के लिए यहाँ पर देखिए कुर्सी है, बाहर कोई कार्यक्रम किया जाए तो अच्छी बात है, किराए पर मंगाने से अच्छा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए कोई धम्म उपासक आ जाए तो उनके लिए भी बिस्तर है, सोने बैठने के लिए भी है। और यहाँ पर विपश्यना जब चलेगा तो उनके लिए गद्दी भी यहाँ पर रखा गया है बैठने के लिए। यहाँ पर नीचे कुछ कार्य चल रहा है इसके लिए यहाँ पर रखा गया है, नहीं तो यहाँ बहुत अच्छा जगह पेटी बनाया गया है, कोई भी डोनेट कर सकता है कोई भी। मोमबत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं, यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है, बहुत अच्छा है। सबसे माइक भी रखा गया है, किराए से मंगाने से अच्छा है डेली यहाँ पर बहुत बंद। पिंटू सीना रे सांडी रे हां नहीं आटा आनंद तो सिविल मैं बोलती हूं की व्यवस्था है। और स्टैंड भी है रखा गया है यहां पर देखिए, बहुत अच्छा है। यह कार्यक्रम में किराए से मंगाने से अच्छा है कि अपना खुद का रहेगा तो अच्छा है। और यहाँ पर पंचरत्न बौद्ध विहार के तरफ नाम से बनाया गया है, बाकायदे सुंदर देखने में, यहाँ पर वाचक के रूप में स्टेज है, ये स्टैंड आपको दिखा रहे हैं। पंचरत्न बौद्ध विहार बलसाड़ गुजरात में जिन लोगों ने इस बौद्ध विहार को बनाने में आर्थिक सहयोग किया है, ये उन लोगों की दानदाताओं की लिस्ट है। यहाँ पर इन्होंने बौद्ध विहार को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग किया है, उन लोगों की यहाँ पर लिस्ट है, नाम सहित दिया गया है। आप देखिए क्रम, एक एक क्रम से बाकायदे का नाम लिखा गया है, कौन कहाँ के रहने वाले हैं, कितना सहयोग राशि दिए हैं, सब डिटेल लिखा गया इसमें, इस ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पर एक होर्डिंग बना, नाम पता सब है। और यहाँ पर सहयोग देने वालों की कमी नहीं है, काफ़ी संख्या में लोग सहयोग किए हैं, कितना धन राशि दिए हैं सब इसमें लिखा गया है। और काफ़ी संख्या में लोग सहयोग किए हैं। इस वक्त पंच बौद्ध विहार जिला बलसाड़ गुजरात में है, यहाँ पर हम चल रहे हैं। यहाँ काफ़ी धम्म उपासक उपासिकाएँ मौजूद हैं, हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए नमो बुद्धाय हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की करुणा हो
यहाँ पर लिखा गया है भगवान बुद्ध की करुणा हो, और यहाँ पर आपका जय भीम हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। पंचरत्न बुद्ध विहार जिला वलसाड गुजरात में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं श्रद्धालुओं और धर्म सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विशेष दिन SR24 न्यूज़ जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से धर्म प्रचारक पत्रकार श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम सभी लोगों की तरफ से, पंचरत्न बुद्ध विहार की तरफ से, हमारे बौद्ध परिवार की तरफ से, समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी SR24 न्यूज़ जिला बस्ती उत्तर प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन। पिंटू सीना रे सांडी का हां नहीं आता आनंद तो सिविल मैं बोलती हूं उनको।